जय हिंद दोस्तों। 24 अप्रैल 1993 को इंडियन एयरलाइंस के विमान को हाईजैक कर लिया गया था। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक बूढ़ा डैडी वाला युवक अपने पैरों में स्टील की छड़े लगाए जब वो व्यक्ति चेक इन से गुजर रहा था तो मेटल डिटेक्टर ने उसे पकड़ लिया, मगर उसकी इस लाचार हालत को देखकर उसे जाने दिया गया। डॉक्टर्स को अपना नाम रिजवी बताने वाला युवक प्लेन में पहुंचने के आधे घंटे के बाद ही उसने अपने पैरों से 9mm की दो पिस्तल निकाली और यात्रियों और पायलटों की तरफ तान दी। दोपहर 2:43 पर IC-427 हाईजैक हो चुका था। एयर ट्रैफिक उससे पूछती रही, आखिर तुम क्या चाहते हो? उसने प्लेन काबुल ले जाने को कहा, मगर ऑफिसर्स नहीं माने। फ्यूल का बहाना लेकर प्लेन को अमृतसर लैंड कराया गया। अमृतसर लैंड करते ही ऑफिसर्स उससे बात करने लगे और 1:00 ऑपरेशन अश्वमेघ स्टार्ट हुआ। NSG कमांडो ने प्लेन के 6 दरवाजों से एक साथ जाने का फैसला लिया और एक के बाद एक सभी कमांडो उस प्लेन में घुस गए और साइलेंसर वाली पिस्टल से सिर्फ 12 सेकंड के अंदर हाईजैकर को दबोच लिया गया। इसमें 6 मेंबर्स और 141 लोगों को सुरक्षित निकाला गया और 1:05 पर ऑपरेशन अश्वमेघ सफल रहा। दोस्तों इन